आज आज मैं आप लोगों को बताता हूँ YouTube के एक नए एप्लीकेशन के बारे में जो अभी अब बहुत लोगों क्रिएटरों को मिला है, बहुत क्रिएटरों को अभी तक नहीं मिला है। वो कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, क्या आप उपयोग कर सकते हैं, उसकी सारी जानकारी आज मैं दूंगा। और आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज षष्ठी का दिन है तो आप सभी को दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपका प्यार भी हमें मिलता रहे, आपका विश्वास भी हमारे साथ बना रहे, तो हम और भी आगे बहुत सारी चीज़ें लाएंगे, बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। ब्लॉग तो बनाते ही हैं, आपको जो थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान होगा मैं आपको ज़रूर बांटूंगा। आप लोग को भी इसके रिलेटेड कुछ ज्ञान हो, कुछ नई नई चीज़ें आपको पता चले तो आप मेरे साथ शेयर करें, ज़रूर बताएं, और अपना प्यार और विश्वास यूं ही बनाए रखें। दोस्तों आज हम बात करेंगे, YouTube आज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है और कहा जाए तो कई लोगों का ये एक करियर भी बन चुका है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और आपको बताएंगे YouTube के नए अपडेट के बारे में। YouTube में जिनके पास एक समय खाने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे, आज वो अमीरों वाली जिंदगी, बड़ी लाइफस्टाइल, अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे YouTube में, डे बाय डे YouTube भी अपने फीचर्स में अपडेट कर रहा है। वो लोग अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं क्योंकि उनके पास वो टैलेंट था। YouTube ने एक प्लेटफॉर्म दिया लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का और लोगों ने अपने टैलेंट के बल पर YouTube के उस मुकाम पे पहुंचा जिससे उनकी लाइफस्टाइल पूरी तरीके से बदल गई। YouTube भी अपने फीचर्स में डे बाय डे बदलाव कर रहा है जिससे उनके क्रिएटर्स को कोई दिक्कतें ना हो। YouTube ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है, YouTube क्रिएटर। यहाँ पे आप YouTube वीडियो को कट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, उसमें ट्रिम कर सकते हैं, अपने ऑडियो वीडियो में एडिट कर सकते हैं, और सबसे खास बात है इसमें YouTube लाइब्रेरी ऐड है जिससे आपको नो कॉपीराइट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी उस किसी म्यूजिक पे। दोस्तों मैं बता दूं, ये अभी जो ऐप है ये अभी सभी के लिए नहीं ओपन है, ये कुछ दिन बाद सभी के लिए ओपन हो जाएगा। ये कुछ ही क्रिएटर्स को मिला है और आप जब सभी के लिए ओपन हो जाएगा ये ऐप, तो आप इसमें फ्री में अपने वीडियो को एडिट रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि YouTube लाइब्रेरी ऐड है, इसमें आप नो कॉपीराइट म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। अब आप पता लगाएंगे कि आपको ये जो एप्लीकेशन है YouTube क्रिएटर का, ये आपको मिला है कि नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं बताता हूँ। दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले तो YouTube स्टूडियो डाउनलोड करना होगा। जिनके पास डाउनलोड है पहले उनको अपने YT स्टूडियो में जाना होगा, सबसे पहले उसे अपडेट कर ले, ठीक है। और उसके बाद उस पेज पे जाके आपको जैसे ही पेज खुलेगा ऊपर में नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। नोटिफिकेशन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें एक पेज खिलेगा रिडायरेक्ट का, उसमें एक लिंक होगा, उसे डाउनलोड कर ले। उससे पहले अपने आप YT YouTube स्टूडियो को अपडेट कर ले, वहां जाके आप चेक करें कि आपको YouTube क्रिएट का ऑप्शन मिला है कि नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो कैसा लगा ये तो कमेंट करके आप लोगों को ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि आपका भाई थोड़ा बहुत जहाँ से भी ज्ञान लाता है तो आप लोगों को ज़रूर बताता है और उसकी जानकारी देता है जितना जो भी हो। जिनको ये नॉलेज हो ये बहुत अच्छी बात है, उनको नॉलेज होगी। जिनको नहीं हो, अगर 1% लोगों को भी मेरे वीडियो से कुछ समझ में आ जाता है या कुछ नई जानकारी मिल जाती है तो मेरे लिए तो अच्छी बात है। और आप लोग का विश्वास से ही मैं रोज़ वीडियो अपडेट करता हूँ, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से आप लोग का फिर से धन्यवाद। आप लोग का छोटा भाई बड़ा भाई, जो छोटे हैं उनके लिए बड़ा भाई और जो बड़े हैं उनके लिए मैं छोटा भाई, अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। तो मैं आगे हर रोज़ वीडियो अपलोड करूँगा, कुछ ना कुछ अपलोड तो करता ही हूँ, और भी कुछ करूँगा और आप लोग के विश्वास पर खरा उतरूँगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर ज़रूर घंटा दबा दीजिए और यूं ही अपना प्यार करिए, फॉलो कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, बाय।